पूरे देश में जहां कोरोना को लेकर आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अब देश ट्रैक पर आना शुरू हो चुका है। वहीं नया साल शुरू होते ही देशवासियों को एक बड़ी खुशखबरी भी मिली, जब 2 जनवरी को भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन को इलाज के लिए सरकारी मान्यता मिल गई। अब सवाल उठता है, वैक्सीन किस जगह और किसे किसे लगाई जाएगी? तो वहीं अर्थप्रकाश टीम ने चंडीगढ़ में इसकी पड़ताल करते हुए सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल पहुंची, जहां उन्हें कोविड का एक सेंटर मिला जिसमें कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसे लेकर टीम ने यहां स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर अमनदीप कंग से विशेष बातचीत की। देखें। नमस्कार, मैं अवनी चौधरी अर्थप्रकाश टीवी से। आज हम खड़े हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीन सेंटर के बाहर, जहां पर हम बात करेंगे अमनदीप मैम से, जो कि हेल्थ सेंटर के डायरेक्टर हैं। मैम, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो कोविड की वैक्सीन आई है, इससे पहले जो वैक्सीन आई थी वो अनिल विज जी ने अपने ऊपर लगाई थी, जिसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो लोग कुछ इस कंफ्यूजन में है कि क्या इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? वैक्सीन की वजह से कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं होता, बिकॉज दिस इज वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट द डिजीज। तो यदि वो कोरोना पॉजिटिव है, मे बी वी हैड सम सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर टू कोरोना अर्लियर बिफोर, बट मे बी अ डे प्रायर टू व्हेन ही वाज वैक्सीनेटेड। इसी के साथ एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी कि कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ इसमें भी कंफ्यूजन है कि जो मरीज है वो भी इसको अपने ऊपर अप्लाई करवा सकते हैं या फिर कोई नॉर्मल पर्सन भी इस टीके को लगवा सकता है? This is actually now it's going to be for the healthcare workers, frontline workers, और उसके बाद गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज करा है अंडर 50 लोग जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियाँ हैं, और 50 साल से ऊपर जो लोग हैं, क्योंकि देखा गया है कि जो कोरोना की बीमारी जब होती है तो दिस पॉपुलेशन इज मोर एट रिस्क। ओके, जो कोरोना के मरीज हैं उसको यहाँ पर आके क्या क्या प्रोसेस करने पड़ेंगे इस टीके को लगवाने के लिए? उसको पहले प्री रजिस्टर होना पड़ेगा, तब उनको मैसेज आएगा, कुछ दिन पहले उनको मैसेज आएगा कि आपको इस सेशन साइट पे इस तारीख को इस टाइम पर पहुंचना होगा। जी मैम, जो ये वैक्सीन है हमारी बॉडी के अंदर जाकर क्या वर्क करेगी? ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर इम्यूनिटी क्रिएट करेगी, जैसे कि हर वैक्सीन काम करती है आपको डिजीज से प्रिवेंट, आपको वो बीमारी ना हो उसकी प्रिवेंशन का साधन बनती है वैक्सीन। आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा जनरेट होता है कि आपको जिस बीमारी के लिए आपने वैक्सीन लगवाई है उसको आपकी बॉडी फाइट कर सकती है और चंडीगढ़ के अलावा और कहाँ कहाँ वैक्सीन के सेंटर खुले हैं? नहीं, तो सारे देश में है वैक्सीन के सेंटर, चंडीगढ़ में 9 सेशन साइट्स चूज करी हुई है, बट एवरी स्टेट इज बीइंग चोजन फॉर दिस। जैसा कि आप सभी ने जान लिया होगा कि वैक्सीन के टीके को लगाने का क्या क्या प्रोसेस होगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो आप बेफिक्र से होकर यहाँ पर आ सकते हैं और टीका को लगवा सकते हैं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट खबरों को जानने के लिए बने रहिए अर्थप्रकाश टीवी पर। मैं अवनी चौधरी, कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।